यूक्रेनी पीएम ने की भारत की जमकर तारीफ। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारतीयों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने भारत और अमेरिका के बेहतर रिश्तों पर भी जोर दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक और महत्वपूर्ण साझेदारी मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी जमकर तारीफ की। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की तारीफ की। साथ ही उन्होंने भारत से आर्थिक बहाली के लिए मेडिकल छात्रों को वापस भेजने की भी अपील की है। यही नहीं, डेनिस ने यूक्रेन को मदद और मानवीय समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की और कहा कि पीएम मोदी विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं और G20 देशों के बड़े नेता हैं। रूसी दूतावास ने वीडियो जारी कर भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस वीडियो में गदर फिल्म के गाने पर डिप्लोमेट्स और स्टाफ के सदस्य के साथ साथ बच्चे भी डांस करते दिख रहे हैं। रूसी एम्बेसी ने ये वीडियो जारी किया है। अमेरिकी एम्बेसी ने वीडियो जारी कर भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। अमेरिकी दूतावास में कर्मचारियों ने तिरंगे के रंग में रंगोली बनाई। इस दौरान बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर खुशी मनाते नजर आए। नाटो देशों में स्वीडन की सदस्यता को तुर्की ने अपना समर्थन जताया है और इससे जुड़ा तुर्की ने एक प्रस्ताव भी पेश किया है। हालांकि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद तुर्की ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दी है। इसके बदले अमेरिका तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान बेचेगा। माना जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कुछ ही दिनों में स्वीडन की नाटो सदस्यता पर हस्ताक्षर कर देंगे। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने ईरान को करारा जवाब देने की धमकी दी। असीम मुनीर ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी गीदड़ भभकी दी। उन्होंने कहा कि जब एक पाकिस्तानी की सुरक्षा की बात आती है तो पूरे अफगानिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।